तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। शुक्रवार और शनिवार को मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण तथा उनकी चुनौती शुरू कर चुका हूं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण तथा उनकी चुनौती में मैं प्रथम पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझा दिया था। वह प्रथम पॉइंट था तीन चुनौतियां। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को समझाया था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद किन किन समस्याओं ने सर उठाया। ठीक है, इसके अलावे भारत से जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारत के प्रति अंग्रेजों ने क्या कहा, जिनके संदर्भ में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि भले ही भारत में विविधता है लेकिन विविधता में क्या है तो एकता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को मैं पिछले वीडियो में जिक्र किया था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देखें। प्रथम वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप अवश्य रूप से उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण एवं उनकी चुनौती या समस्या के अंतर्गत आज मैं दूसरे पॉइंट को समझाने के लिए जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? विभाजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम मुख्य रूप से देखेंगे कि हमारा प्यारा देश भारत का विभाजन किस प्रकार हुआ। विभाजन के बाद हम विस्थापन देखेंगे, फिर उसके बाद पुनर्वास को देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन सभी बातों की चर्चा करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत हो या समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे तो हम भारत का मानचित्र ना बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम विभाजन के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन पॉइंटों को समझाएंगे। वो पहला पॉइंट है मुस्लिम लीग के द्वि सिद्धांत, विभाजन की प्रक्रिया यानी विभाजन की क्या प्रक्रिया रही और विभाजन के बाद क्या परिणाम आए। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को आज हम आप सभी को अच्छे से समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि इन सभी पॉइंटों से किस प्रकार के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत, बस मान लेते हैं, माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत। प्यारे बच्चों, जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तो किस प्रकार का हमारा मानचित्र था? तो वह मानचित्र कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, ये रेड जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तो इन सभी क्षेत्र को यानी कि भारत का क्षेत्र और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र को जोड़ करके वो क्या कहा है ना जाता था? तो उस समय कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तो आज़ादी के लड़ाई लड़ने के लिए यानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए हम सभी भाई एक हुए थे। हम सभी भाई का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख, तीनों भाई मिलकर के एकदम मिल गए थे, एक है ना हो गए थे और एकता के रूप में हम लोग है ना क्या है ना किए थे, तो अंग्रेजों से लड़े थे और लड़ने के बाद अंग्रेज हमें आज़ाद करने के लिए राजी हो गया था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज राजी हो गया आज़ाद करने के लिए तो राजी होते होते उन्होंने क्या किया कि हमारे भाईचारे में एक फूट ने दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ तो अंत में भारत का विभाजन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम इन्हीं बातों को आज हम क्या करेंगे तो समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ब्रिटिश इंडिया, जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तो क्या कहलाया? ब्रिटिश इंडिया। तो हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने में क्या किए तो साथ साथ है ना लड़े, तो साथ साथ कौन? तो मुख्य रूप से हिंदू, ठीक है, और दूसरा कौन? तो मुख्य रूप से मुस्लिम, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिलकर ने साथ साथ क्या किए तो आज़ादी की लड़ाई है ना लड़े। तो हिंदू की ओर से एक जो हिंदू की ओर से जो मुख्य दल था वह दल कौन सा था? वह दल था तो कांग्रेस।
कौन दल था? तो कांग्रेस। तो कांग्रेस का नेतृत्व है ना कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वहीं हम यदि मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की ओर से नेतृत्व किया जा रहा था मुस्लिम लीग, यानी एक दल था उस समय मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन है ना कर रहे थे? तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व है ना कर रहे थे अली जिन्ना, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम दोनों भाई मिलकर के जो है लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और अंग्रेज ने कहा कि ठीक है जाओ हम तुमको भारत आजाद कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यह घोषणा हुई कि अंग्रेज भारत का ये भारत को आजाद करने के लिए जा रहा है, उसी समय मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म की ओर से जो नेतृत्व है ना कर रहे थे कौन? तो मुस्लिम लीग दल, ठीक है। मुस्लिम लीग की ओर से आपको कहा गया क्या? तो मुख्य बात आपको रखा गया तो द्विराज सिद्धांत को रखा गया, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग की ओर से कौन सा सिद्धांत रखा गया? द्विराज सिद्धांत। तो द्विराज सिद्धांत का मतलब आपका यह हो जाता कि इसके अंतर्गत अली जिन्ना कहे थे, यानी कि मुस्लिम लीग आपको कहा था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, कौम मतलब धर्म, ठीक है, कि भारत किसी एक धर्म का नहीं है। भारत मुख्य रूप से कितने धर्मों का है? तो दो धर्मों का है जिनमें हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, और मुस्लिम धर्म के आधार पर हमें क्या चाहिए? तो हमें एक पवित्र स्थान चाहिए, ठीक है। और वह पवित्र स्थान, पवित्र को उर्दू में क्या बोलते हैं? तो पाक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पाक। तो पाक से हमें क्या चाहिए? तो पाक से हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। यानी मुस्लिम धर्म के आधार पर हमें क्या चाहिए? तो हमें एक नया देश पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो जिसके कारण जो है अंग्रेज सर्वप्रथम, अंग्रेज तो कहा था कि चलो हम तुमको आजाद है ना कर, यह कर है ना देते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग जाकर के एकदम अड़ गया कि जब तक विभाजन नहीं होगा धर्म के आधार पर, तब तक जो है हम लोग आजादी का तिथि निर्धारण नहीं करेंगे, ठीक है। अंततः इस विभाजन की प्रक्रिया जो है अंग्रेज को, हाँ, यह अंग्रेज के हाथ है ना चली गई, और अंग्रेज एक ऑफिसर थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया में उस समय के कौन थे? तो उस समय के जनरल गवर्नर थे। कौन थे? तो जनरल गवर्नर थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कई बार भारत का विभाजन करना चाहा, यानी कि एक मानचित्र लिया, कभी यहां से यहां तक लाइन खींच दिया, कभी यहां से यहां तक लाइन है ना खींच दिया, लेकिन वो अच्छे रूप से विभाजन नहीं है ना कर पाए थे। तो जिसके कारण काफी समय बीतता चला गया, ठीक है। और जब तिथि आई तो मुख्य रूप से 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को हमारे प्यारे देश को क्या कर दिया गया? तो आजाद कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं तो उन्हें तो पता था कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों खास बात आपको यह ध्यान देना है कि जब 14-15 अगस्त 1947, यानी जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, यानी कि रात में तकरीबन 1-2 बजे, ठीक है, 1947 को जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, तो उस समय यह तय नहीं किया गया था कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में गया है और कौन सा क्षेत्र भारत में गया है, ठीक है। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो गया, लेकिन आजादी के साथ साथ हम लोग निराश भी है ना हो गए थे कि हमारे देश का विभाजन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 15 अगस्त को हमें यह तक पता नहीं था कि हम किस देश में गए, यानी कि हम पाकिस्तान में गए हैं कि हम भारत में रहे हैं, इस बात को कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो बाद में आपको क्या है ना हुआ था, तो धर्म के आधार पर, यानी धर्म है ना क्या था, तो मुस्लिम, ठीक है। अब बोला गया कि मुस्लिम जहां बहुल क्षेत्र है तो बहुल क्षेत्र के आधार पर क्या है ना बनेगा, तो पाकिस्तान बनेगा। यदि हम मुस्लिम बहुल की बात करें तो भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहां मुस्लिम नहीं हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में देखिएगा तो मुस्लिम था। कहां कहां ज्यादा था? देखिए, इन क्षेत्रों के अलावा दिल्ली के इर्द गिर्द मुस्लिम क्षेत्र बहुल है, हैदराबाद में बहुत सारा था, तो जूनागढ़ में था यहां पर, फिर इधर है ना देखिएगा तो केरल साइड आपका था, यानी कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, ठीक है।
इसके तो जिसके कारण विभाजन में बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने है ना लगी थी। अंततः है ना क्या किया गया, तो अंततः पाकिस्तान के तरफ से जो है इन क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान के तरफ से मुस्लिम बहुल भारत ब्रिटिश भारत के दो क्षेत्र जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल थे, एक तो हो गया यह उस समय यह आपका बंगाल प्रांत था, ठीक है, तो बंगाल प्रांत था, एक यह भाग ने दिया गया, दूसरा आपका यह भाग दिया गया। इस बंगाल प्रांत में भी बहुत सारा दिक्कत था, यहाँ बहुत ही ज़्यादा हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम थे। यहाँ भी देखिएगा जैसे हम यहाँ पंजाब की बात करें तो आधा पंजाब अभी वर्तमान में देखिएगा पाकिस्तान में चला गया, आधा आपका भारत में, तो यहाँ देखिएगा कहीं सिख ज़्यादा थे, यहाँ सिख भी ज़्यादा थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है। और जब आज़ाद हुए तो उन्हें यहाँ तक नहीं पता था कि हम किस देश में गए, यानी कि हम पाकिस्तान में गए हैं कि भारत में गए, ऐसा किसी को पता आपको नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्षेत्र के अनुसार, जिला के क्षेत्र के अनुसार से क्या किया गया, तो क्षेत्र को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से बंगाल के ये जो क्षेत्र थे, तो पाकिस्तान को मुख्य रूप से दो बड़ा भूभाग मिला था, एक यह प्रांत जिसको पहले बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोला गया, तो पूर्वी पाकिस्तान, और दूसरा ये भाग जिसको आपको बोला गया था तो पश्चिमी पाकिस्तान, क्या है ना बोला गया था, तो पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। अब दो क्षेत्रों को दिया गया पाकिस्तान को, अब दिक्कत यह था कि इन दोनों क्षेत्रों में भी बहुत ही ज़्यादा क्या थे, तो हिंदू लोग थे, ठीक है, और इन क्षेत्रों में यहाँ पर हिंदू के साथ साथ आपका यहाँ पर क्या थे, तो सिख लोग भी क्या थे, तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और उनके अलावा भारत में भी यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ मुस्लिम बहुत इन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल थे, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे, दिल्ली के इर्द गिर्द मुस्लिम है ना ज़्यादा थे, ठीक है। तो भारत की ओर से कथन हुआ कि महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारत में जो मुस्लिम लोग रहना चाहते हैं वो बेशक रह ना सकते, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, हम क्या करेंगे, तो हम जो है सभी लोगों को, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे, विकास करेंगे, जिसके कारण बहुत सारे मुस्लिम वो भारत में ही है ना रुक गए, और बहुत सारे मुस्लिम कहाँ चले गए, तो पाकिस्तान चले गए। इसी प्रकार पाकिस्तान की ओर से बहुत सारे हिंदू भारत आए, ठीक है, और भारत की ओर से बहुत सारे मुस्लिम कहाँ गए, तो पाकिस्तान गए, ठीक है। तो पाकिस्तान से बहुत सारे मुस्लिम भारत आए, और भारत से बहुत सारे मुस्लिम कहाँ गए, तो पाकिस्तान गए। तो इन क्रम को आपको कहा गया स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो कुल मिलाकर के लोग कितने हुए, तो 80 लाख, कितने हुए, तो 80 लाख, यानी कहने का मतलब है तकरीबन 80 लाख लोग, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, जिनमें कुल संख्या कितनी थी, तो 80 लाख, ठीक है। और इस 80 लाख में इस संख्या कितनी हो गई, 80 लाख। अब सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि यह क्षेत्र, ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जो है आपका हिंदू भी था, सिख भी था, और उसके बाद मुस्लिम, यानी कि तीनों का तीनों बहुल धर्म थे, ठीक है। तो जिसके कारण लोगों को यह बाद में जब पता चला कि हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, तो वह लोगों ने क्या किया कि वह लोगों ने आपका हिंदू और मुसलमान पे अत्याचार करना यहाँ पर है ना क्या किए, तो शुरू कर दिए। और यह घटना, और यह जो घटना थी, एक संप्रदाय की घटना है ना ले ली, जिसमें जो है दूसरे एक धर्म दूसरे धर्म को मारना, सॉरी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारना काटना शुरू है ना कर दिया था। तो जिसके कारण आप देखिएगा तो पंजाब का जो अमृतसर जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा मार काट हिंसा है ना हुआ था, जिसमें अब इन्हीं के कारण इन 80 लाख में से लगभग 5 से 10 लाख लोगों की क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। तो किस प्रकार मारे गए, वो हिंसा में, और अपने देश को छोड़ करके, सॉरी, भारत से वो पाकिस्तान गए उस क्रम में, या पाकिस्तान से भारत आए उस क्रम में। तो 80 लाख में से मुख्य रूप से कितने लोग है ना मारे गए, तो लगभग 5 से 10 लाख लोग आपको मारे गए थे, ठीक है। तो अंततः जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए
अब उनके पास यह सबसे बड़ी समस्या आपको है ना हो गई थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से जो लोग भारत है, पाकिस्तान में जो थे उनका घर था, खेती था, गृहस्थी था, बिजनेस में जो भी करते थे, अब अपने घरों को छोड़ करके वहाँ वह कहाँ चले आए, तो भारत चले आए। तो क्या अब उनके पास कोई धन बचा, कोई जमीन बचा, कोई घर बचा? नहीं बचा। तो विभाजन के बाद उन लोगों का स्थिति काफ़ी दयनीय है ना हो गए, ठीक है। उन लोगों के ऊपर कोई छत नहीं थी, तो भारत सरकार ने क्या किया, तो भारत सरकार ने उन लोगों को शरणार्थी कहा, तो और उन लोगों को धन दिए, घर दिए, और क्या दिए, तो नौकरी दिए, ठीक है। किनको धन, नौकरी और भोजन इन्हें दिए थे? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वो है ना क्या कहलाए, तो शरणार्थी। क्या है ना कहलाए थे? तो शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी है ना कहलाए थे, ठीक है। तो इन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने क्या किए, तो इन्हीं शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने इन सभी लोगों को घर दिए रहने के लिए, सॉरी रहने के लिए जमीन दिए, घर न बनवा दिए, कुछ रुपए दिए जिनसे वो अपना व्यवसाय है कर सके, ठीक है, और उन्हें नौकरी है ना दिए थे। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, तो इस प्रकार से भारत का आपका विभाजन हुआ था, और विभाजन और ब्रिटिश इंडिया का जब विभाजन हुआ था, तो जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल थे, यानी कि ये क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र क्या है ना कहलाए, तो यह दोनों क्षेत्र पाकिस्तान कहलाए, और जो शेष भूभाग बचा, यानी कि ये सारा प्रांत आपको है ना क्या है ना कहलाया, तो यह सारा प्रांत आपको भारत कहलाया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर पॉइंट आप कहना चलाता है, तो मुस्लिम लीग द्वि सिद्धांत, तो द्वि सिद्धांत क्या है, तो प्यारे बच्चों द्वि सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा एक कथन है जिसके अंतर्गत आपका क्या है, तो भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि कितने कौम का है, तो दो कौम का। वह दो कौम कौन सा है, तो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, तो विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, तो प्यारे बच्चों विभाजन की प्रक्रिया वो रहा धर्म, यानी धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ, ठीक है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए पाकिस्तान देश बना, और हिंदू बहुल क्षेत्रों के लिए, यानी शेष जो क्षेत्र थे वो शेष क्षेत्र के लिए कौन सा देश है ना बना, तो वह भारत बना, ठीक है। और प्यारे बच्चों यह जो सीमा है, जो हम जो देख रहे हैं कि यह यहाँ इतना क्षेत्रफल पाकिस्तान है, तो इन क्षेत्र का बंटवारा कौन है ने किया था, तो वह किए थे, तो उस समय जनरल गवर्नर कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन के परिणाम, तो विभाजन के परिणाम आपका है ना क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, हिंसा में यह एक सांप्रदायिक रूप है ना ले लिया, तो जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु है ना हो गए, और उसके बाद बहुत से पाकिस्तान के लोग है ना भारत आए, जिसके कारण भारत सरकार ने उन्हें रहने को घर दिए, ठीक है, नौकरी करने के लिए, सॉरी नौकरी यह नौकरी करने के लिए धन दिए, या आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ने क्या किए, तो धन दिए, ठीक है। प्यारे बच्चों विभाजन यहाँ तक नहीं रुका था, ठीक है। विभाजन क्षेत्र के बाद आपका हर एक चीज में विभाजन हुआ, मतलब धन में भी विभाजन हुआ, यानी पैसे का भी विभाजन हुआ, ठीक है। पैसे के बाद जो सरकारी कार्यालय थे, उस सरकारी कार्यालय में जो भी कुर्सी थे, टाइपिंग मशीन थे, सब का विभाजन हुआ। बहुत सारे कुर्सी और टाइपिंग मशीन कहाँ गए, तो भारत से पाकिस्तान गए। आपको इसके अलावा रेलवे में भी विभाजन हुआ, यानी जितने भी सामान थे सामानों में भी विभाजन हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर बताएं।